राहुल कर रहा है स्प्रे, ये हो रही है TSO की स्प्रे, ट्री स्प्रे ऑयल। थोड़ा सा क्विक साथ भी चाहिए होता है ताकि सो दैट फटाफट एक ही स्प्रे होती है ये वाली। आसमान का कलर तो और प्यारा होता जा रहा है। तो अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, आज एप्पल की चटनी है, आलू गोभी की सब्जी और चपातियाँ हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज दिखाती हूँ, ये देखो पूरा साफ है। वैसे मैं आज भी सोची थी आज भी व्लॉग नहीं बनाऊंगी, पर फिर मुझे पता चला कि आज हम स्प्रे करने जा रहे हैं, तो स्प्रे करने की मैं कहा कि थोड़ी वीडियो आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे कैसे स्प्रे वगैरह करते हैं। हो रहा है क्या, हो रहा है उछल कूद, हो रही उछल कूद। पंकु भी कल की वीडियो को देखे, ये भी रो, कैसा लगा तुझे? मेरे को खुद पता नहीं लगा कि मैं रो रहा हूँ, हंसते हंसते रो गया, स्क्रीन पर गिर गए आंसू, स्क्रीन पर गिर गए। प्रीति भी जा रही है यहाँ पे घास लेके आ गई है, ये भी सुबह सुबह। ये देखो अवनीत इतनी काम करने वाली है, इससे लकड़ियाँ मंगवाई लवली ने, फिर ये ले जा रही है बेल। तो अभी हम आए खेत और आज स्प्रे कर रहे हैं, राहुल स्प्रे कर रहा है, बिल्कुल फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गए हैं। ये देखो फ्लावर आने वाले हैं बादाम में, और यहाँ पे भी, ये भी देखो, ये भी यहाँ पे भी फूल आने के लिए तैयार हो गया है। फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होगा ना, पूरी जगह व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, पूरी जगह में जिसके भी यहाँ पे बादाम के पेड़ हैं तो सबके यहाँ पे व्हाइट व्हाइट हो जाता है, और बहुत ही प्यारा व्यू होता है उस टाइम। एक तो पूरा ही आ गया है फूल, पीछे बहुत शोर आ रहा है क्योंकि वो स्प्रे करने के लिए हमने कल वो मशीन ली थी, वो था सरप्राइज, वो बाद में दिखाऊंगी। वेरी गुड ब्रदर। तो राहुल कर रहा है स्प्रे, ये हो रही है TSO की स्प्रे, ट्री स्प्रे ऑयल। हेलो एवरीवन, अभी हमारे घर आओ स्प्रे पीने। किस की स्प्रे कर रहा है तू? TSO कर रहा हूँ। और थोड़ा सा डर्मेट है, बोरॉन है। और क्यों मतलब जरूरी है बताएंगे आप? बड़े फार्मर से पूछिए, जाइए मैं बिजी हूँ। एक और जैसे ये पड़ता है प्लान ऑफ फिक्स, इससे गौन की बीमारी नहीं लगती। TSO से पेड़ की थोड़ी वो क्वालिटी बढ़ जाती है। हाँ। कीटनाशक से कोई फफूंदी नाशक हो थोड़ी सी डालते हैं हम, एक बारी साल में, ज्यादा नहीं डालते। हाँ। बस वो एक बारी हमारे पेड़ बच जाते हैं। हाँ, पेड़ बच जाते, नहीं तो पेड़ों की लाइफ कम हो जाएगी। हाँ, ग्रोथ बढ़िया होती है, नहीं हाँ। तो बीमारी लग जाए तो मतलब उसमें ग्रोथ रुक जाती है। हाँ। तो जैसे ये गोंद निकल रहा है, वो मैं दिखाऊंगी, गोंद की स्प्रे की, इसमें गोंद की स्प्रे हो जाती है, अब गोंद नहीं निकलता। एक ही स्प्रे होती है ये वाली, बाकी कोई स्प्रे नहीं होती अभी इसमें। कोई तीन तीन भी करते, पर हम एक ही करते हैं। हम एक ही करते और एक ही स्प्रे करते हैं ना, और अभी फ्रूट तो आए नहीं, उसके ऊपर स्प्रे नहीं कर रहे हैं। तो बादाम में ना इस तरह का एक गोंद लग जाता है, देखो गोंद जैसा होता है, देखो बादामों के, बादामों में, पेड़ों में गोंद लगता है, जैसे यहाँ से निकाल रहे हैं हम। तो अभी जब स्प्रे करेंगे तो खुद ब खुद निकल जाएगा, नहीं तो पेड़ खराब हो जाते हैं इस वजह। अभी पेड़ों में फ्लावरिंग होनी है उससे पहले की, बस यही स्प्रे होती है इसमें एक, इसके बाद इसमें कोई स्प्रे नहीं। ये थी वो पेटी जो कल का सरप्राइज था, और ये वाली मशीन देखो वहाँ पे होती है स्प्रे, और इतना शोर आता है इस मशीन से, बहुत शोर आता है। तो पिछली बार हमने पैडल वाली मशीन से स्प्रे की थी यहाँ पे, जो पावर स्प्रेयर है ना ये पिछले कल ही लेके आए हम, और जो कल मैं पेटी दिखा रही थी उसमें यही थी। और धूप बहुत तेज पड़ रही है यार, जहाँ पे हमारा सेब का बगीचा है ना वहाँ पे तो हमारे पास ये वाली मशीन पहले से ही थी, और बड़े वाली है इससे भी, तो ये तो छोटे वाले पावर स्प्रेयर है, तो अदरवाइज पाँव से पैडल मारना पड़ता है, बहुत दिक्कत वाला काम होता है। और आज मैं फ्री हूँ, अदरवाइज अभी मैं पैडल मार रही होती। अभी कर रहे हैं सेकंड टंकी के लिए दवाई मिक्स, इसमें है डाला हुआ थोड़ा सा पानी, फिर इसमें थोड़ा सा बोरॉन डाला है और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाला है, और साथ में इसमें थोड़ा डर्मेट भी डालेंगे। और ये बन गया है बिल्कुल दूध की तरह व्हाइट, पर ये सारी दवाइयां हैं। आज की स्प्रे का मेन इंग्रेडिएंट है TSO, जो हम उस दिन केनिया लेके आए थे। और जो कल उस पेटी में थी वो ये मशीन थी। चलो हमें तो कोई दिहाड़ी भी नहीं दे रहा है। दजी आप इसको दिहाड़ी क्यों नहीं दे रहे? इसको राहुल को लग जॉब दे आना, मुंह दे देंगे। पिताजी बोलते ये उल्टा मुझे देगा दिहाड़ी। तो ये था हमारा वो कल वाला सरप्राइज। अभी ये बंद है तो शोर नहीं आ रहा है। पेट्रोल से चलती है यहाँ पे, इसमें ये चीज देख रहे हो, ये खुलेगी, इसमें फिर पेट्रोल डलेगा। ये हो गया स्टार्ट। तो ये कर रहा है राहुल ब्रो यहाँ स्प्रे।
आयुष का काम है सिर्फ पाइप खींच। पिछले कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो पे आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया, जिसके लिए मैं आपका करूंगी दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। वैसे तो मोदी दीदी के पास लाइसेंस नहीं है स्प्रे करने का, वैसे तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं मजाक करना था। ये भी बहुत अच्छी स्प्रे कर लेती है, इसीलिए थोड़ा सा क्विक सा आदमी चाहिए होता है। ताकि तो लग रहा है आपको मस्त कैसे लग रहा है? फटाफट तो हो रही है। पहले जो स्प्रे थी वो मैनुअली थी, पैडल मार के उसमें प्रेशर बनाना पड़ता था, तो एक आदमी पंप पैडल मारता था और टांगे भी थक जाती थी, बार बार टांगे चेंज करनी पड़ती थी, और एक पाइप के साथ और स्प्रे करने वाला 3-4 आदमी लग जाते थे। अब 2 आदमी का काम है, 2-3 दिन तो स्प्रे करने का ही काम है। कल मुझे फिर से रामपुर जाना है, फिर वापस आके स्प्रे करूँगा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, अगर यहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी हो जाए ना, तो जैसे ये है सामने पीपल का पेड़, ये जहाँ यहाँ की जो वेजिटेशन है वो टूटनी शुरू हो जाती है, बर्फ़ जैसे जमती है ना पत्तों पर, चौड़े पत्तों वाले पौधे हैं यहाँ पर ज़्यादा, तो पत्तों पे बर्फ जमेगी तो पेड़ टूटना शुरू हो जाते हैं। ये सारे यूकलिप्टस है, तो स्पेदा जिसे बोलते हैं, इधर भी है बहुत ज्यादा, ये टूटने शुरू हो जाते हैं। अब थोड़े से पेड़ रहते हैं तो हो जाएगा। तो अभी हम लोग निपट गए हैं यहाँ से और अब पैकिंग कर रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं। तो अभी ये व्यू है और मैं जा रही हूँ घर। बिल्कुल थक गया, बहुत भूख सी लग रही है और हेडेक सी हो रही है क्योंकि उसकी स्मेल ना खतरनाक होती है, थोड़ी हेडेक हो रही है। पहले तो घर जाके नहाएंगे धोएंगे बाकी चीज़ उसके बाद। स्प्रे करके हम लोग आ गए थे, उसके बाद मैं नहा भी गई हूँ और अभी रेस्ट कर रही थी थोड़ा, और अभी हो गया सनसेट होने वाला है। तो ये है अभी सनसेट का व्यू, आफ्टर सनसेट, सनसेट तो हो गया है। और ये वाले माउंटेंस कितने ज़्यादा चमक रहे हैं धूप में, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आसमान का कलर तो और प्यारा होता जा रहा है। वेलकम बैक। पिछले कल व्लॉग आधा ही रह गया था, फिर शूट भी नहीं किया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और अभी मैं जा रही हूँ अपने नए वाले घर, आज वहाँ पे कपड़े धोएंगे, कपड़े डाले हैं तो बड़े बड़े कंबल बेडशीट वगैरह जितने भी हैं, तो आज पानी उधर वाली साइड को है तो वहाँ पे पानी भी बहुत होगा, और वहाँ पे ना कपड़े डालने के लिए सुखाने के लिए स्पेस बहुत है, तो उस करके हम वहाँ कपड़े ले जा रहे हैं। मैं तो अभी जा रही हूँ, साथ में मम्मी भी आएंगी पीछे। मैं पहुँच गई हूँ अपने नए घर और ये है कपड़े जो मैं लेके आई हूँ। अभी पहले यहाँ पे गीजर ऑन कर देती हूँ जितने में मम्मी आएंगे। ये आ रहे मम्मी। अभी तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम यहाँ आ सकते हैं कपड़े धोने, पर पता है जब हम छोटे छोटे थे ना बचपन में, मम्मियाँ वगैरह तो खट जाते थे बड़े बड़े कपड़े लेके, और उस टाइम सबके घर में नल भी नहीं होते थे, और गाँव की लेडीज ना सारी एक दिन के लिए बनाती थी कि आज के दिन जाएंगे कपड़े धोने, तो सारी औरतें एक साथ ही जाएंगी एक ही दिन और ले जाती थी खड, वहां से कपड़े धो के लाते थे। बात ये कि यहाँ वाले घर पे ना धूप जल्दी लग जाती है, तो यहाँ मम्मियाँ डरा दिया आपने मेरे को, और अभी धूप यहाँ जल्दी लग जाती है तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। और मम्मी की टोली देखो कैसे गिर गई, तिरछी हो गई है बिल्कुल। ये होगी पहली बकेट तैयार होके, फर्स्ट राउंड के ये है, ये तो उड़ भी जाएंगे यार यहाँ से। ये बना है कून का कंबल, ये हो गया है मेरा सेकंड लॉट तैयार। मम्मी तब से कपड़े ही धो रहे हैं यहाँ पे, तो चलते अब इनको ले जाते। कपड़े भी धुल गए थे और अभी तो बादल भी आ गया, उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, मम्मी घर चले गए थे, मैंने यहाँ पे साफ सफाई की, थोड़ी किचन की सफाई की, घर भी सफाई की, फिर मैं खुद नहाई। अब मुझे भूख लग रही है और मैं घर नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि मम्मी ने बोला कि तू शाम को अब कपड़े लेके ही आई हो जब सूख जाएंगे। अब तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे मैगी बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा सारा सामान होता है अवेलेबल, खाने पीने की चीजें यहाँ पे भी सारी है, तो मैगी बना देते हैं यहीं पे। मैं और राहुल ना अभी दूसरे खेत में स्प्रे करने गया है, तो मैं उसको कॉल कर रही थी कि वो भी अगर ज्वाइन करेगा मैगी के लिए, पता नहीं, फिर से एक बार कॉल करती हूँ। अब अगर राहुल ने कॉल उठाया तो मैगी पार्टी साथ में करेंगे, नहीं उठाया तो मैं अकेले मैगी पार्टी करूँगी। वैसे मुझे पसंद नहीं है मैगी ज़्यादा, पर फिर भी चलो अभी भूख लग रही है तो यहाँ पे वही अवेलेबल है, करेंगे मैगी पार्टी। ये मेरी मैगी है, पानी जल गया
क्या मतलब, पहले मैं मैगी को बॉईल करूंगी, फिर इसका जो पानी बचेगा ना फिर वो फेंक दूंगी, और उसके बाद जो बाकी सूखी नूडल्स बचेगी मैं उसमें मसाला मिक्स करती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ मैं कैसे कैसे मैगी पसंद करती हूँ। हाँ, मैगी को बॉईल करना है इस तरह से। अब हमारी मैगी हो रही है बॉईल, मसाला भी नहीं डालना है, मसाला भी रहने देना है। इसका जो ये पानी है ये फेंक देंगे, और अब थोड़ा सा पानी रहने देंगे इसी में बिल्कुल, और अब इसमें मिक्स करेंगे मसाला और इसको बिल्कुल मिक्स होने देंगे ऐसे इसके साथ। बस अब इसको इस तरह से ही पकाना है। नमक देखना अगर नमक की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं डालना है, और अच्छी बन जाती है ड्राई सी, मुझे तो पसंद है। मैं टेस्ट कर लूँ थोड़ा पहले। अब मैं मुझे चेक करना है इसमें नमक ठीक है कि नहीं है। ठीक है, नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर चाय भी होती ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। वैसे चाय बन सकती है यहाँ पे भी, पर ब्लैक टी बनेगी, दूध नहीं है यहाँ पे, बना सकते हैं। चलो बनाते हैं अच्छे से, पार्टी करनी है तो अच्छे से ही करो। तो चाय के लिए मैंने वही पैन धो लिया है, और अभी इसी में चाय पत्ती और चीनी डालेंगे। थोड़ी सी चाय पत्ती, हमारी मसाला मैगी तैयार है विद ब्लैक टी। और हाँ, जिसको ये लगता है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं अच्छी कुक हूँ, मतलब खाना बना लेती हूँ मैं, घर में नहीं बनाती हूँ, घर में मुझे बना बनाया ही मिलता है, मम्मी, बड़े मम्मी, भाभी बनाते रहते हैं। तो लेकिन जब हम शिमला में होते हैं तो वहाँ तो कुक मुझे ही करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे खाना बनाना आता है। मजे आ गए। हिचकी इसीलिए है क्योंकि मैं स्पाइसी चीजें नहीं खा सकती, इसमें थोड़ी मिर्ची है, थोड़ी सी भी होती है तो मुझे हिचकी शुरू हो जाती है। खाना तो पड़ेगा ही, तो क्योंकि कल के दिन है मेरी दादी की छमाही, तो पूजा है कल घर पे, और दादी को गुजरे हुए 6 मंथ हो जाएंगे। वैसे 10 तारीख को 6 मंथ होने थे, पर लेकिन 3 को वो तिथि का ही हिसाब होता है, कुछ अपने तिथि के हिसाब से उनका कल के लिए। इतनी सी रहती है, इसको फिनिश करते हैं, फिर बर्तन धोऊंगी, फिर देखते हैं। राहुल आज दूसरे खेत से भी स्प्रे करके आ गया है, निपटा के आ गया है, और पीछे मम्मी भी आ गए हैं। हाय ब्रो, थक गया? थक गया होगा भाई, थक गया। तो ये लोग आ गया दूसरे खेत को भी निपटा के स्प्रे करके। राहुल ब्रो तो बहुत थक गया, सुबह ही रामपुर भी गया था। और चल मैं लाती हूँ, खोलती हूँ मैं ऊपर। तो ये कपड़े सूख गए हैं और वापस इनको घर ले जाएंगे। ये देखो सनसेट होने लगा है, इधर से सनसेट हो गया है, और अभी गांव साइड नहीं हुआ है, यहाँ तक पहुँचा है अभी सनसेट। और हम चले अब घर, मैं कपड़े ले जा रही हूँ और मम्मी घास ले जाएंगे थोड़ा सा। खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी, बहुत सारा प्यार दिया है और उसमें सबने बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो सबको तो मैं शायद ही रिप्लाई कर पाऊंगी, लेकिन हार्ट जरूर दे दूंगी और आज शाम को उनको भी पढ़ूंगी। अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, थोड़े थोड़े मैंने कमेंट्स बीच में पढ़े, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। फोन भूल गए तो पकड़ो अपना फोन, ये मेरी मम्मी का फोन है। हाँ तो मम्मी पर इसको क्या दिखा रही। हाँ मासी से बात कर लेते हैं, मम्मी से। कौन आया ये घर आज? नमस्ते दादी, ये देखो गांव के मेहनती छोकरे, 50 किलो का कट्टा उठाया इसने, 50 किलो का कट्टा। ये क्या कर रहा है बंदर? हाय गरिया है सब। हाय, देखो मेरी गुलिया। मैं इसकी डॉल देखो कितनी डरावनी है। विया भी आ गई आज मामू के घर से। गाइस देखो विया आ गई है, विया केल्टे वाली। गिर जाएगी बेटू। गिरेगी। नमस्ते बुआजी। नमस्ते। नमस्ते। और मेरे बुआजी आए आज। ये हैं बड़े बुआ हैं, छोटे बुआ कल आएंगे।
अभी मैं आ गई हूँ सोने और रात के ना 10 बजने वाले हैं, तो अब मुझे बस एडिटिंग करनी है और आज का व्लॉग यही खत्म करती हूँ, क्योंकि 2 दिन का व्लॉग इकट्ठे हो जाएगा ना तो काफी लंबा चला जाएगा, और पिछले कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी, और कल मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो इस करके आज व्लॉग नहीं आया, कल आपको व्लॉग मिल जाएगा सुबह। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग। और साथ में ना जैसे कल मैं कुछ भी शाम को एडिटिंग नहीं की, तो मुझे ना कल खुद भी अजीब सा लग रहा था कि आज कुछ मिसिंग है, मुझे काम होता था शाम को एडिटिंग करने का और आज मैं नहीं कर रही हूँ, तो खुद को भी अजीब लग रहा था। अब मुझे भी आदत हो गई है कि डेली व्लॉग बनाना है और अपलोड करना है, तो आप सबका फिर से थैंक यू। और तो कल शुरू कर, क्योंकि और कल वाला व्लॉग ना काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल दादी की 6 माई की पूजा है, तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर। और ना कल वाला व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट, और ना कल वाला व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट हिचकी।